खुली के पाकिस्तान, तारीख सास हिजरत। दिलदोज वाकया, मसाइब व मुश्किलात और जिगर सोज मनाजिर की अनगिनत अनकही अनसुनी कहानी। हिंदुस्तान से बेसरो सामानी में हिजरत करके आने वाले लाखों लोगों ने तो तकालीफ और मसाइब देखे ही थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मकामी सतह पर उन बेबस, लाचार और महाजर बनकर आने वालों की पेशानियों पर लिखी गर्भनाक दास्तानों का मुशाहदा किया। उन्हीं कहानियों को अपनी आंखों से देखने वाले जस्टिस रिटायर्ड सैयद अफसल हैदर। सैयद अफसल हैदर पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान और साबिक वजीर कानून और इंसाफ हैं, जिनके वालिद तश्कील पाकिस्तान के लिए बनाए गए बाउंड्री कमीशन के रुकन भी रहे थे। सैयद अफसल हैदर संजीदा तबकों में एहतराम की नज़र से देखी जाने वाली शख्सियत हैं। आइए उनसे उनकी यादाश्तें उन्हीं की जुबानी सुनते हैं और उस वक्त को महसूस करने की कोशिश करते हैं। मेरी पैदाइश लाहौर में बाजार हकीमा मेरे नाने के मकान पर हकीम बैरिस्टर अमीनुद्दीन के घर में हुई थी 1931 अगस्त को। मेरी सारी जो तरबियत थी वो तो पाकपतन थी, पाकपतन स्कूल्स में। वहाँ से मैंने 46 में मैट्रिक किया था और फिर मैं एफसी कॉलेज लाहौर में दाखिल हुआ था। जब 1940 की करारदाद लाहौर में पेश की थी कायद आज़म की ज़ेर सदारत, मेरे वाल डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के मुस्लिम लीग के सदर थे, तो उस वक्त हम सब लाहौर आए थे। तो जलसे में मैं तो शरीक नहीं हो सका, छोटा था। तो मेरे बड़े भाई, मेरे वालिद सैयद मोहम्मद शाह और मेरे चचा सैयद जाफर हुसैन, इधर ने अटेंड किया था। तो उसके बाद मैंने देखा 1940 के बाद, उस वक्त मैं कोई तकरीबन 9 साल का था, कि हमारे घर में बहुत सियासी एक्टिविटी बड़ी शुरू हो गई थी। अब्बा जी ने हर जुमे को बाबा साहब के मज़ार के अंदर जो जामे मस्जिद थी, वहाँ पर जुमे के बाद वो खिताब किया करते थे। और मेरी वालदा जो थी वो इर्द गिर्द के जो देहात हैं वहाँ से ख़वातीन को इकट्ठे करके, और आप हैरान होंगे कि हमारे जलसों में देहाती, हालांकि देहात का रहता, तो ख़वातीन भी आके जलसों में आगे बैठती थी, जो कि आप लाहौर में किसी और जगह देखते। यानी कि मेरी वालदा ने इतना मोटिवेट कर दिया था कि अगर आधे आदमी बैठे हैं मुस्लिम लीग के जलसे में तो आधी औरतें बैठी, घगरा पहना हुआ है उन्होंने बेचारे, नंगे पांव आ रही हैं। हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ पर मेले के दौरान सर्कस भी लगती थी और तमाशे भी होते थे, वो हमारा प्लेग्राउंड भी था। तो वहाँ पर अब्बा जी ने जलसे शुरू करवा दिए, आहिस्ता आहिस्ता लोग आने शुरू हो गए। एक तो ये तरीका था कि लोगों को बुलाकर उनको बताया जाए, दूसरा वो ये करते थे कि उन्होंने एक टीम तैयार की जिसमें खैर मोहम्मद मुसाफर, ईसा मोची और डॉक्टर जमालुद्दीन, ये इनको फिर वो देहातों में भेजते थे और ख़ुद भी जाते थे। ये 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, इतवार के दिन इकट्ठे होकर ये फिर मुख्तलिफ इलाकों में जाया करते थे और वहाँ जाकर लोगों को के साथ डेरे में बैठ कर बातें करते थे। उनको मालूम था कि इंतखाबात का भी जब भी होंगे तो ये पाकिस्तान का मतलब समझे, पाकिस्तान को क्यों बनाया जा रहा है, आज़ादी क्यों हासिल करनी है। फिर मेरे बड़े भाई मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर थे, मुझसे सीनियर थे, मैं 46 में हुआ था, वो 42 में हो गए थे। वो जैविया बख्तियार के साथ उनका बैच था, तो मेरे पास वो तस्वीर पड़ी है
जिसमें मुसलमान तालिब इल्मों ने जो कि एफ सी कॉलेज में थे उन्होंने कायद अजम को बुलाया था, मेरे बड़े भाई उनके साथ हैं या बख्तियार हैं और पी जो के लाजि, तो मतलब है कि हमारे घर में सिर्फ मेरे वालद और वालदा नहीं, मेरे दोनों बड़े भाई, मैंने जितना भी हमसे हो सका है हमने ये किया है। जब 1931 में जो मेरा साल पैदाइश है उस वक़्त जो हिंदुस्तान में मरदमशुमारी हुई थी तो उस वक़्त मेरे वालद का विजन ये था कि कहीं मरदमशुमारी में मुसलमानों की आबादी कम ना कर दी जाए, तो अब्बा जी ने एक एक जगह जाकर ये तसल्ली की कि जो स्टाफ है वो मुसलमानों की आबादी ठीक लिख रहा है कि नहीं। उस वक़्त तमाम पंजाब में और जो आज के हिंदुस्तान हैं इनके आपस में आहिस्ता आहिस्ता रबते शुरू हो गए थे, यानी कि मुसलमानों को ये एहसास हो गया था कि मुख्तलिफ़ अंजमनों की बजाय एक मरकज़ी अंजमन होनी चाहिए। तो ये वो दौर था जबकि कायद अजम वापस आ गए थे और उन्होंने मुस्लिम लीग का अहया शुरू किया था और कंसोलिडेट करना शुरू किया था। जब 1937 के इलेक्शन होने थे तो उस वक़्त मुसलमान हिंदुस्तान भर के छोटी छोटी जमातों में मुनकसम थे, तो कायद अजम ने पहली दफ़ा ये किया कि तमाम लोगों को मुद्दऊ किया और मुद्दऊ करके उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया जिसमें 56 मुसलमान लीडरान थे जो कि मुख्तलिफ तंजीमों के सदूर थे, जिनमें हुसैन अहमद मदनी भी शामिल थे, वो मुस्लिम लीग के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे, इसमें अरार भी शामिल थे, तमाम किस्म के लोग शामिल थे। लेकिन इत्तेफाक़ ये हुआ कि जब कांग्रेस की हुकूमत बन गई तो ये सब छोड़ गए, इनमें से चंद जो थे मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी वगैरह ये पाकिस्तान के हक में थे या कुछ जो हमारे सूफी हजरात थे ये थे। तो उस वक़्त उन्होंने मुत्तहिदा कौमियत का तसव्वुर उठाया, उन्होंने कहा जी कि जो कौमियत है ये वतन के साथ है, जबकि इस्लाम का कायद अजम का अल्लामा इकबाल का तसव्वुर ये था कि जो कौमियत है ये नज़रिए की बुनियाद पर है। उस वक़्त के हालात में आपको ये बताऊं कि 1937 के जो इलेक्शन हुए थे उनकी उसमें बड़ी कोशिश थी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर काम करेंगे कि 1937 में हिंदुओं की जो 7 सूबों में हुकूमत बनी थी उसमें उन्होंने इतने मुसलमानों पर ज़्यादतियाँ की, उन्होंने वारदा स्कीम शुरू कर दी और स्कूलों में देहात में उन्होंने पूजा पाठ की गंदगी की शुरू कर दी, उर्दू को ख़त्म करवा दिया, उन्होंने कहा ये तमाम मजाहब बराबर हैं, एक ही सब की पूजा करो, सब कुछ करो। उस वक़्त पंडित नेहरू ने एक नारा लगाया कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ताकतें हैं, एक है ब्रिटिश गवर्नमेंट और दूसरी है ऑल इंडिया कांग्रेस। तो उस वक़्त उस चैलेंज का किसी शख्स ने जवाब ना दिया, सिर्फ कायद अजम ने कहा था कि नो मुस्लिम इंडिया इज़ ए थर्ड पावर, कि हम भी एक ताकत है, और वो सब खामोश हो गए थे। और कायद अजम ने उस वक़्त से जब डेवलपमेंट शुरू हुई हैं सियासी जो कि शिमला पैक तक गई तो मौज तक गई, तो उस वक़्त कायद अजम ने कहा जी कि बात यह है कि अगर आप हमारे मुतालबे को तस्लीम नहीं करते तो इलेक्शन करवा लें, लोगों की राय पूछ लें। कायद अजम के कहने पर कुछ रिपोर्टें शाया हुई, पीरपुर रिपोर्ट बड़ी मशहूर है, जिसमें जब छाया हुई तो हिंदुस्तान सारा हिल गया कि क्या मुसलमानों पर इतनी ज़्यादतियाँ हुई हैं। तो वो दौर था यानी कि सबसे पहले मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के यकीनी बनाने की जो पहली बुनियाद है वो 1937 के इंतखाबात के नतायज में ये थे, मुसलमानों को एहसास हो गया कि हमें तो ये ख़त्म कर देंगे अगर इनके पास, क्योंकि अंग्रेज़ के आने के बाद एक नया सिस्टम ये शुरू हुआ था कि इंतखाबात, आइन, कानून साजी, असेंबलियाँ, ये इदारे जो थे पहले नहीं थे, ये अंग्रेज़ की वजह से थे। तो उसके बाद ये मालूम हुआ कि अगर हुकूमत तो
पॉलिटिकल पार्टी वो करेगी जिसके पास मेजॉरिटी होगी। तो गैर मुस्लिम यहाँ पर मुसलमान तो 33-35% है, बाकी गैर मुस्लिम हिंदू, सिख, मसीही, यहूदी और ऐसे बेशुमार जो अकवाम थी, जैन वगैरह, तो ये बाकी ये सब हैं। तो 1945 और 46 के जो इंतखाबात थे वो इस बुनियाद पर लड़े गए थे कि क्या पाकिस्तान का मुतालबा लोगों को मंजूर है। तो उसमें हैरत की बात यह है, कमाल की बात है कि मुसलमानों ने इतना ज़बरदस्त मुस्लिम लीग को वोट दिया, और जो यूनिस पार्टी के जो मेंबर थे, बड़े बड़े ज़िम्मेदार थे हमारे इलाके के, बहुत बड़े ज़िम्मेदार थे, उन सबको शिकस्त हुई। फरवरी 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के फ्लोर पर वहाँ के वज़ीर आज़म एटली ने ये बयान दिया था कि हम 1948 में हिंदुस्तान से निकल जाएंगे और अपना जो इक्तदार है, वो सियासी इक्तदार है, वो मुंतकिल कर देंगे। वहाँ पर ये नहीं था कि कांग्रेस को देंगे या मुस्लिम लीग को देंगे या पाकिस्तान को दे देंगे। अब ये बड़ी खुशाइंद बात थी, लेकिन सवाल ये था कि किसको देंगे, दैट वॉज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और साथ ही उन्होंने ये ऐलान किया कि लॉर्ड लिलिथगो की बजाय लॉर्ड माउंटबेटन आ जाएगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन आ गया वायसराय बनकर, लास्ट वायसराय। तो उसकी पंडित नेहरू के साथ बड़ी दोस्ती थी, इन दोनों ने मिलकर एक चाल चली कि पाकिस्तान के मुतालबे को फिर डिफीट देने के लिए, कि 1948 वाले में जब अंग्रेज़ ने जाना था, उन्होंने उसको 1947 अगस्त कर दिया। तो ये इन हालात में मैं समझता हूँ ये सिर्फ खुदा का करम था। और जो 48 वाली बात है ना, उन्होंने ये सोचा कि 48 की बजाय 47 करके पाकिस्तान को ख़त्म करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला को मालूम था कि 48 में तो जिन्ना की हालत बड़ी ख़राब हो जाएगी। तो अगर खुदा ना खास्ता 47 की बजाय 48 होता तो फिर पाकिस्तान ना बनता, क्योंकि उस वक़्त जब अंग्रेज़ ने फैसला करना जाने का, तो कायद आज़म तो बेचारे उस वक़्त इतने बीमार थे कि कुछ नहीं। तो ये भी उन्होंने अपनी चाल चली, जैसे कौम पाक कहते हैं कि वो अपनी चाल चलते हैं, मैं अपनी चाल चलता हूँ। तो ये भी एक बड़ा मौजा है। तो इतना बड़ा मुल्क जहाँ पर फौज तकसीम होनी है, असासे तकसीम होने हैं, ज़मीनों का फैसला होना है, और ये देखना है कि कौन कौन से तहसीलों में, कौन कौन से अजला में, कौन कौन से देहातों में मुस्लिम अक्सरियत है या हिंदू अक्सरियत है या सिखों की अक्सरियत है, ये तमाम हिंदुस्तान को देखना था। उन्होंने कहा नहीं जी कि बाकी हिंदुस्तान तो ठीक है, सिर्फ हम ये पंजाब और बंगाल को करेंगे। 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन ने ऐलान कर दिया कि जनाब 1948 की बजाय हम 15 अगस्त करेंगे, और उन्होंने कहा जी अब कानून साजी होगी। उसने रिपोर्ट भेजी 3 जून को कि जनाब अब हिंदुस्तान तकसीम होगा और पाकिस्तान बनेगा, जो कि 15 अगस्त को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 18 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया, जिसकी पहली शिख ये थी, पहली दफ़ा में लिखा था कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में 2 मम्लुकत नमूदार होंगी, एक का नाम हिंदुस्तान होगा, एक का नाम पाकिस्तान होगा। ये पहली दफ़ा ये हुआ कि रिकॉर्ड में ऑफिशियली लफ्ज़ पाकिस्तान जो था ये रिकग्नाइज हुआ। और उसमें जो शेड्यूल था उसमें उन्होंने पाकिस्तान के इलाके भी बता दिए कि ये होंगे। उसमें गुरदासपुर पाकिस्तान में था, और उसमें साथ ये भी था कि जितने हमारी रियासतें हैं उनको इख्तियार होगा कि जिसको चाहे मिल ले। अब यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान बन रहा है तो उसकी हदूद क्या होगी। ये कांग्रेस को बड़ी तकलीफ थी कि अगर ये बंगाल सारा, सूबा सरहद, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, कश्मीर, ये अगर पाकिस्तान बन जाए तो सारे दरिया इनके पास होंगे, तो लामोहल्ला रियासत बीकानेर जो है ये भी पाकिस्तान में शामिल होगी, और उसके बाद फिर छोटी छोटी रियासतें जो हैं, मुनावदर वगैरह जो है, जूनागढ़ वगैरह, तो हैदराबाद दक्कन की एक बहुत बड़ी एक फोर्स थी, तो ये तो पाकिस्तान तो बहुत बड़ा मुल्क बन जाएगा। कायद अजम ने कहा था जी कि UNO से मंगवा लें कुछ साल। फिर कायद अजम ने ये भी कहा कि प्रीवी काउंसिल के जो जजेस हैं उनको मंगवा लें। तो माउंटबेटन ने कहा जी गर्मी बढ़ गई है, वो बूढ़े आदमी वो नहीं आ सकते।
नेहरू ने मुखालफत कर दी, तो उन्होंने फिर एक शख्स पे रेडक्लिफ पे एग्री किया, वो एक वकील था और उसका वहाँ पर अच्छा काम चलता था। तो उस वक्त कायद आज़म ने देखा कि अब तो ये कमीशन बन गया है, तो इसके लिए मुकदमा जो है वो तैयार होना पड़ेगा। तो उनकी नज़र सर ज़फ़रुल्लाह खान पर गई। सर ज़फ़रुल्लाह खान उस वक्त नंबर टू टॉप ब्रिटिश फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का जज था, यानी कि जिन्होंने 6 महीने के बाद हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस बनना था। कायद आज़म ने उनको कहा जी कि ज़फ़रुल्लाह खान आपने आके पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना है। उसने फौरन इस्तीफा दे दिया। इस्तीफ़ा दे के कायद आज़म से मुलाकात की। अच्छा, वो मेरे वालिद को जानते थे कि मेरे वालिद ने 1940 का जो लाहौर रेजोल्यूशन है उसकी रोशनी में उनको मालूम था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में तकसीम का सवाल पैदा होगा और उसमें देखा जाएगा कि मुसलमानों की अक्सरियत कौन सी है। जब उन्होंने कायद आज़म को बताया कि इस तरह भी सैयद मोहम्मद शाह ने बड़ा काम किया हुआ, तो उन्होंने कहा जी उनको भी शामिल कर लें। तो ये कायद आज़म की अप्रूवल से 2 आदमी मुकर्रर हुए हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए, एक ज़फ़रुल्लाह खान और मेरे वाला सैयद मोहम्मद शाह। अपना 21 जुलाई 1947 से लेकर 31 जुलाई तक बाउंड्री कमीशन का केस चला था लाहौर हाईकोर्ट में, और उससे पहले जो 3-4 सिटिंग्स हुई थी वो असेंबली हॉल में हुई थी। कांग्रेस ने कहा कि आप मुसलमानों की बात करते हैं, इनके पास तो ज़मीनें क्यों नहीं है, इनको थल भेज दें, हम खर्चा देंगे। और ये लाहौर, साहिवाल, लैलपुर, ये हिंदुस्तान में शामिल कर दें। ये सूरत हाल थी कि हिंदू का हमारे मुतलक ये एटीट्यूड था, वो हमें इंसान समझता नहीं था। वो जिस तरह उन्होंने अपने मज़हब में तबकाती तकसीम किया ना कि ब्राह्मण ऊपर है, फिर वैश है, उसके बाद अछूतर है, वो हमें अछूतर समझते थे। मुसल आजकल तो लोगों को अंदाज़ा ही नहीं कि उस वक़्त मुसलमान की क्या हालत थी। ये हैरत की बात है कि इतना मास्टर तारा सिंह और इन लोगों ने इतना हालात ख़राब कर दिए थे कि वो लोग जो कि एक दूसरे के साथ तकरीबन इकट्ठे रह रहे थे, वो दूसरे के दुश्मन बन गए। कांग्रेस ने और अंग्रेज़ ने बदमाशी ये की कि पंजाब में गवर्नर राज लागू किया, मुसलमानों को राइट ऑफ गवर्नेंस ख़त्म कर दिया। और उसके बाद दूसरा जो गलत काम ये हुआ कि माउंटबेटन ने फौज को इस्तेमाल ही ना किया, मार्शल ना लगाया। नतीजा ये हुआ कि वो जो सिख रियासतें थीं वहाँ पर कत्ल वारा शुरू हो गए। अब मुझे याद पड़ता है कि जिस वक्त पाक पतन जो आने का रास्ता हेड सुलेमान की था, फैजल का से हेड जितना फिरोजपुर ज़ीरा वगैरह का जितना इलाका था ना, उधर से जो लोग आ रहे थे, एक लाहौर में था, एक इधर था, और फिर तीसरा उस तरफ था अपना सियालकोट की तरफ। तो ये तमाम जो रेफ्यूजीज आ रहे थे, तो उस वक्त पाक पतन में सिर्फ मुसलमानों के पास 2 बसें थी, एक मेरे खालू की बस थी, एक फतेह मोहम्मद की बस थी जो कि पाक पतन से साहिबाल चलती थी। तो अब्बा जी ने दोनों बसें रेक्विजिशन कर ली थी, तो वो रोज़ाना पाक पतन से हेड सुलेमान की जाती थी, कोई 25 मील का फासले पर। वहाँ पर जितनी ख़वातीन बूढ़े और ज़ख्मी होते थे और हामिला औरतें थी उनको लेके आते थे, और वो पाक पतन में एक कैंप बनाया हुआ था। और हालत ये थी कि कफन के लिए कपड़ा नहीं था, कफन के लिए पैसे नहीं थे, तो वहाँ पर दीवान साहब ने और कुछ लोगों ने अब्बा ने मिल के 50 रुपये रोज़ाना वो दुकान खुलवाते थे हिंदुओं की, कफन का कपड़ा लेते थे। और रास्ते में हमने कई दफ़ा देखा कि औरतें, हामिला औरतें मरी पड़ी हैं, बच्चे उनके ज़ाया हुए पड़े हैं, और कुत्ते फिर रहे हैं साथ, कहीं बूढ़ा आदमी को गिरा पड़ा है। तो
हम तालिबे इल्मों ने फिर अपने हाथों से वहाँ कब्रें खोदी, गड़े खोदे, कब्रें क्या थे, गड़े खोद के उनको दफन किया। ये हालत थी। और फिर अब्बा जी ने ये बंदोबस्त किया कि रेलवे स्टेशन पर रोज़ाना देगें पक के जाती थी। 20 तारीख अगस्त को जब हिंदू चले गए तो पाक पतन में लूटमार शुरू हो गई। खाली मकान, वो कोई पलंग उठा कर जा रहा है, कोई बक्स ले जा रहा है, कोई जो कोई किताबें उठा कर ले, किताबें तो बहुत थोड़ी थी, कोई जो जिसके हाथ लगा। तो ऊपर से रेफ्यूजी आ रहे थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, बेचारे लूटे पुटे आ रहे थे। तो अब भाई ने फिर SDM औरंगजेब से बात की, उन्होंने कहा जी कि आप मुझे फोर्स दें, कि मैं तो ये नहीं कर सकता। अब्बा जी ने फिर एक एक मुसलमान जिसने लूटमार की थी ना, उनके घर से सामान निकलवाया। और वो बहुत बड़ा मैदान था पाकपतन में, विक्ट्री गेट के सामने, वहाँ पर पूरा एक पहाड़ बन गया सामान का, जिसमें चारपाइयाँ, बक्स, पलंग, बिस्तर, तकिए वगैरह, तमाम चीज़ें, खाने की सामान, प्लेटें, किचन का सामान, नहाने का सामान, बाल्टियाँ वगैरह, घड़े, कड़वंजियाँ, बहुत सारा सामान था, वो सब उन्होंने वहाँ रखवा दिया। मुझे बड़ा फ़ख्र से कहना पड़ता है कि मेरे बाप की पॉलिसी की वजह से पाक पतन में एक बंदा का कत्ल नहीं हुआ। तो अल्लाह का शुक्र है कि उनको खुदा ने खिदमत का मौका दिया। अब ये मैं आपको एक बड़ी अपनी बात ख़त्म करने से एक पैगाम है, जो कि मैं समझता हूँ कि तहरीक के पाकिस्तान में भी उसको असूल को आप अपना सकते हैं, और आइंदा भी नौजवान नस्ल को। अगर आप सीरत को स्टडी करें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबवी ज़िंदगी है वो 23 साल है। 13 साल आपने मक्के में गुजारे और 10 साल सिर्फ आपने मदीने में गुजारे, और 13 साल जो मक्के में थे उस पर आप पर इंतहाई मजालम हुए, हत्ता के कत्ल करने की नौबत आई, फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब आप हिजरत कर जाएं। तो दो चीज़ें मैंने गौर किया है कि जब पहली वही नाजल हुई थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि अल्लाह मियाँ थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे पसंद कर लिया है तो अब मैं आपकी बात करूँगा। नहीं, वो नीचे उतरे, ज़मीन पर आए, अवाम में आए, और उसके बाद 10 साल मदीने में जाके आपने एक रियासत कायम कर दी, एक नया मुआशरा कायम कर दिया, एक नई दुनिया को तहजीब दे दी, एक नया तमद्दन दिया। तो वहाँ से मैंने एक सबक सीखा है कि अपनी परेशानियों को, अपनी तकलीफ़ों को मौक़ों में तब्दील कर दो। तो यही चीज़ जो है ये हमें सबक सीखना चाहिए नौजवान नस्ल को भी, कि ठीक है पाकिस्तान में इस वक्त हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन नौजवानों को चाहिए कि ये स्टडी करें कि पाकिस्तान क्यों बना, उससे पहले मुसलमान की हिंदुस्तान में हालत क्या थी। और अब आपके पास माशाल्लाह हर आदमी के पास मोबाइल है, बिजली है, जो कि उस वक्त पहले नहीं थी। हम तो लैंपों में मैंने मैट्रिक किया था, उस वक्त कोई सड़क नहीं थी, कोई रेडियो नहीं था, कोई टेलीविजन नहीं थी, कोई लोग अनपढ़ थे, कोई ट्रैक्टर नहीं था, कोई ट्यूबवेल नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब सब कुछ है। तो अब अगर ज़रूरत है तो वो ये है कि तरबियत की, और हम उन आदर्शों को, कायदे आज़म की उन कोशिशों को कामयाब करें, कामरान करें, जो उन्होंने हमारे लिए की। अदरवाइज़ वो चाहते तो अपने, और कायदे आज़म जैसा इंसान कहाँ से मिलेगा जो जाते हुए अपनी तमाम दौलत जो है कौम को देगा। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इकबाल को, जिना को, ख़ास तौर पर जिना को स्टडी करें और देखें कि उन्होंने किन मुश्किल हालात में से वो गुज़र के उन्होंने कामयाबी हासिल की, और हम उसी राह पर चलेंगे।